तो फ्रेंड्स, अगर आप राशन के गेहूं लेके आते हैं तो आप एक चीज का याद रखें, आप चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि राशन वाले जो हैं बहुत ही बदमाश होते हैं। आप देख सकते हो कितनी गंदगी इसमें मिलावट कर रहे हैं। मैंने इसको पहले छाना है तो इतना गंद निकला है, और आप ये देख सकते हो ये कितनी गंदी गंदी जो है चूहे की पोटी तलक इसमें निकली है, और ये रोड़े इतने बड़े बड़े, और ये सारा गंद इसी गेहूं में से निकला है। तो कभी भी आप जो है ना राशन वाले से गेहूं लेके आए तो जरूर उसको बिना धोकर ना खाएं, नहीं तो ये बीमारी की जड़ है। तो धोने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गंदी गेहूं थी, मैंने इस तरीके की छन्नी ली है। पहले मैंने सूखी गेहूं को जो है छान लिया है, तो छानने से क्या है पानी कम लगेगा और जो है सफाई बहुत बढ़िया से हो जाएगी। तो छानते छानते जो है मैंने मोटी मोटी जो रोड़ी वगैरह थी वो निकाल दी है, और आप देख सकते हो कितनी मिट्टी और जो घास के बीज मिक्स होते हैं इसके अंदर वो सारे निकल चुके हैं। तो अब इस गेहूं को जो है हम पानी में भिगो लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बाल्टी में रख दिया है पानी, और इसको गेहूं को मैंने भिगो लिया है। तो अब इसको मल मल के बिल्कुल 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ताकि जो मिट्टी कंकड़ है जो थोड़े से धुल जाएंगे, मिट्टी भीग के साफ हो जाएगी। अब इसको मल मल के धोना है, मलने से क्या है जो मिट्टी वगैरह है सारी साफ हो जाएगी। तो ये 1 से 2 पानी में धोएंगे, तो आप देख सकते हो छानने से जो है पानी हमारा कम लगेगा। तो मैं ये इसको थोड़ी देर भीगने देती हूँ। तो अब दूसरी तरफ देख सकते हो मैंने एक पानी में ये निकाल के रखूंगी, ये वाली गेहूँ जो है बिल्कुल मेरी साफ तरीके से धुल चुकी है, और ये देख सकते हो चावल मिक्स है इसके अंदर। अब मैं इस वाली गेहूँ को जो है छान के सुखा लेती हूँ। इसमें आप देख सकते हो दुकान वाले ने चावल वगैरह भी मिक्स कर दिए हैं, जैसे कि हम इकास्ती वगैरह को नहीं खाते हैं चावल, तो इस तरीके के आटा हम पिसवाएंगे तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है खाने का। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अभी भी देख सकते हो इसमें कंकड़ वगैरह बहुत ज्यादा है, तो ये मैं एक बारी धोने के बाद 2 दिन की धूप लगाऊंगी, उसके बाद इसे फिर से साफ करूंगी। बहुत ज्यादा गंदी गेहूं है ये। तो गेहूं धोने का तरीका फ्रेंड्स मैं छान लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी सुखा के। तो मैं छत के ऊपर आई हुई हूँ, देख सकते हो धूप भी है छत पे, तो मैंने ये फोल्डिंग पलंग बिछा लिया है, इसके ऊपर मैंने बिछा दी एक चादर। तो जो हमारे गेहूं धुल चुके हैं ना उसको हम इसमें डाल देंगे। तो जो भी है पानी इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है टपकता जाएगा। पानी से निकाल के इसको पिला देंगे। तो आज संडे का दिन था, कल 1 तारीख को राशन हमारा मिल गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको धो लेती हूँ। आटा हमारा ख़त्म हो गया है, तो और दिन तो मैं वर्किंग होती हूँ, तो फिर आज छुट्टी होती है मेरी, तो मैंने इसको साफ कर लिया है। राशन वाले की दुकान बिल्कुल ही हमारे गली के सामने है, बहुत ही वो है वो। तो अब मैं ये सारी गेहूँ इसमें छान लेती हूँ। तो ये 2-3 पानी में बहुत बढ़िया से साफ हो गई है। तो हम कभी भी छान के जो है ना गेहूँ छानने के बाद धोएंगे ना, तो हमेशा पानी हमारा कम लगेगा, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी होती है जो छानने में निकल आती है। अब मैं सारी गेहूँ इस तरीके से ही फ्रेंड्स अच्छे से धो के सुखा लूंगी।